तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। सोच समझकर उत्तर देना पौत्र। ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आप को इस युद्ध का नायक मान रहे हैं। आप में से कोई भी नहीं है, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सारथी नहीं, इस महायुद्ध के सारथी थे कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, हमें क्षमा कीजिए। अहंकार विवेक का शत्रु होता है। युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते तो हमें विजयश्री प्राप्त न होती। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? आपके हृदय में स्थान। हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्म योगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तिमान भव।